Speaking on the latest border skirmish between India and China on December 9 at the Tawang sector along the LSE Arunachal East MP and BJP leader Tapir Gao on Tuesday said that more Chinese soldiers were injured during the clash. Condemning the act of the People's Liberation Army, Gao said these repeated incidents on the Manmohan line spurs the relations between the two countries and that the Indian soldiers will not budge even an inch. Meanwhile, the injured Indian troops has been admitted to Guwahati Hospital. देखिए आप जैसे खबर मिला है मुझे भी खबर ये मिला है कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग तांगसे वन में ये मैकमोहन लाइन में पीएलए और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ लेकिन सेना में मेजर इंजर हुआ ये हमको भी खबर दिल्ली में बैठ के मिल रहा है मुझे ये कहना है कि ये मैकमोहन लाइन में ये बार बार इंसिडेंट होना इंडिया और सेना का रिश्ता के लिए भी खराब है और साथ में आई पर्सनली कंडेम द एक्ट ऑफ पीएलए पीएलए ने जो काम किया ये बहुत गलत है क्योंकि हमारा इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर में एक इंच भी हम नहीं सरेंगे और सेना जितना भी कोशिश करेंगे हमारा इंडियन आर्मी इसका जवाब देंगे इसलिए हमारा जो रिलायबल सोर्सेस से जो खबर मिले हैं तो इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी सारा सब वहाँ जुड़ गए हैं और अभी माहौल अच्छा है जो इंसिडेंट हुआ 9 तारीख को फिर भी सिचुएशन शांति है और वहाँ सुनने को मिला है कि प्लेग मीटिंग भी हुआ है आपस में तो सिचुएशन अभी ठीक है लेकिन जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ ये कंडेमेबल है क्योंकि हम शांति चाहते हैं ये मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारा मार खाएंगे हम भी इतना ही जवाब देंगे तुम जितना करेंगे तो इसलिए हम आई एम प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी कि इन लोगों ने जवाब दिया कि हमारा थोड़ा बहुत कुछ इंजर हुआ सुना है और पीएलए में और ज़्यादा इंजर हुआ डिटेल ना आर्मी से हम लोग संपर्क कर पा रहा है ना वहाँ कोई रिलायबल जिससे हम लोग फैक्चुअल को मिल सकता है वो तो नहीं है लेकिन इंसिडेंट हुआ फिर भी हमारा इंडियन आर्मी वहाँ डटे हुए है तो इसलिए आज लेटेस्ट खबर ये है कि वहाँ अभी प्लेग मीटिंग भी हुए हैं और साथ में अच्छा माहौल है अभी सिचुएशन शांति है।